हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ले वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी 1892। ये जो जजमेंट है 1892 का है। देखिए तब भी कितने लोग एक्टिव रहते थे और जो जजेस का नाम है वो है लिनले एंड बॉविन। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं इस केस के बारे में। जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी है ये दवाई बनाती थी और इसे बेचती थी। जैसे कि भारत में क्रोसिन जो दवाई है, जब हमें फीवर हो जाता है तो हम लेते हैं ना, ऐसे ही फिर बीच में डोलो भी चलने लग गई थी। जब ये पेंडेमिक चल रहा था तो डोलो ज़्यादा चल रही थी क्योंकि वो थी 650 mg की और जो क्रोसिन थी वो थी 500 mg की, तो डोलो अच्छा काम कर रही थी। तो ऐसी जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी है उस टाइम पे क्या था कि इन्फ्लुएंजा ज़्यादा चल रहा था, तो उन्होंने इसीलिए स्मोकबॉल बनाई ताकि इन्फ्लुएंजा ये सब ना हो। अब कंपनी की सेल ज़्यादा हो, उन्होंने हर एक न्यूज़पेपर में इतने सारे ऐड लगा दिए, बहुत ज़्यादा ही हर एक न्यूज़पेपर में ऐड लगा दिया अपना कि, और उन्होंने बोला कि आपको ना जो स्मोक बॉल है एक दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, तो आपको ना इन्फ्लुएंजा कोल्ड या ऐसी कोई जो बीमारी है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आपको तब भी होती है तो कंपनी 100 pounds देगी। 100 pounds कितने होते हैं आज की डेट में? कम से कम 10,500, 5-10 rupees ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कंपनी 100 pounds देगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे ही मिस कार्लिल ने ये देखा कि अच्छा ये दवाई आई है और ये क्लेम भी कर रहे हैं कि अगर नहीं असर हुआ तो 100 pounds भी मिलेंगे, तो फिर जैसे ही उन्होंने ये ऐड देखा उन्होंने भी परचेज कर ली दवाई। और जैसे उसमें लिखा था, जैसी डायरेक्शन लिखी थी कि कैसे यूज़ करना है, वैसे ही मिस कार्लिल ने यूज़ करी। लेकिन तब क्या हुआ, कार्लिल को भी इन्फ्लुएंजा हो गया दवाई लेने के बावजूद जैसे इसमें डायरेक्शन थी। अब उन्होंने देखा कि अच्छा उसमें तो ये भी लिखा था कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी 100 pounds देगी, तो वो क्या होता है अपना क्लेम लेने के लिए वो चली जाती है कंपनी के पास। कंपनी वाले बोल देते नहीं नहीं हम नहीं दे रहे, वो रिफ्यूज़ कर देते थे पेमेंट करने के लिए, नहीं नहीं चलो जाओ यहाँ से। तो जो मिस कार्लिल होती है वो कोर्ट में सू कर देती है डैमेजेस के लिए, जो कि होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन कंपनी तो बहुत चलाक थी, कंपनी ने सोचा कोई तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं हम दोनों के बीच में, हमने तो ऑफर करा था, एक्सेप्टेंस तो कुछ था ही नहीं। तो इशू क्या आया, इशू यही आया, डिड एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज डन बाय मिस कार्लिल टू द कंपनी और नॉट? क्या मिस कार्लिल ने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो उसे एक्सेप्ट करनी थी कंपनी का ऑफर, तो उन्होंने क्या कंपनी को बताया, नहीं बताया? तो मिस कार्लिल ने तो कुछ बताया नहीं था कंपनी को, जब उनको असर नहीं हुआ तब जाके वो गई थी कंपनी के पास, क्योंकि कोई भी जो ऑफर होता है उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। और ऑफर से पहले आप ऑफर को रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो आप उसे कैंसिल या रिवोक नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। तो जो जजमेंट आया उसमें यही बोला कोर्ट ने कि भैया अगर कोई आपने ऑफर ऐसा कर रखा था तो आप वापस ले लेते या तो पहले, कि ये जो 100 pounds का था, लेकिन आपने ये अभी भी लगे रहने दिया तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और उसमें आपने ये भी लिख दिया था कि 3 goli per day लेनी है, तो जो कि मिस कार्लिल ने ये फॉलो भी करा था, 3 goli per day भी ली थी, तब भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो जो जजेस होते हैं वो कंपनी को बोलते हैं कि भैया आप जो कंपनसेशन अमाउंट है वो मिस कार्लिल को दीजिए जो कि आपने लिखे थे 100 pounds। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं।
और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।